नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस है और साथ ही साथ देश के पूर्व रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, जिसको लेकर बिहार सहित देश में सभी जगह उनको माल्यार्पण किया जा रहा है। और पटना से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान सहित बिहार के तमाम नेता पहुँचे हैं। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार IGIMS यानी जो पटना का अस्पताल है वहां पहुंचे और इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप वीडियो देखें किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहते हैं माल्यार्पण के दौरान। तो देखा आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण करने, वहीं इंदिरा गांधी को भी माल्यार्पण करने। आपको बता दें कि देश के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें इंदिरा गांधी की तो लौह महिला कहा जाता है। और देश में प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। वहीं अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो उनका योगदान आज़ादी के बाद से भारत में काफ़ी अहम रहा है। खासकर भारत जो संघीय प्रांत था उसको एकजुट करने में, एकत्र करने में और भारत का एक नक्शा देने में, यूँ कहें तो भारत के अंदर कई ऐसे प्रांत थे जो अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से वो आज सभी भारत में हैं। और आप जो अभी भारत का स्वरूप देख रहे हैं वो सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर पटना सहित देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं।